समूह सिख कौम लई वड्डी खुशखबरी, भारत सरकार आखिरकार करतारपुर साहब लांघा खलाउण लई राजी हो गई है ते इस संबंधी पाकिस्तान कोल पहुंच कीती जावेगी। इस संबंधी जानकारी दिंदिया केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेतली ने सारी जानकारी दिंदिया दस्या के डेरा बाबा नानक गुरदासपुर तो लैके राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर कोरीडोर बनाया जाएगा अते जिसका निर्माण गुरु नानक देव जी दे 555वें प्रकाश पुरब दे अवसर ते शुरू किया जाएगा अते एक हैरीटेज कंपलैक्स भी बनाया जाएगा अते जिसका नाम पिंड बाबा नानक दा रखा जाएगा। एक प्रमुख निर्णय लिया गया कि वर्ष 2019 श्री गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी वह कर रही थी जिसने व्यापक कंसल्टेशंस किए और उसके सुझाव के तहत कैबिनेट ने इस वर्ष के संबंध में इसको सेलिब्रेट करने के लिए देश में और विश्व भर में एक बहुत बड़े व्यापक तरीके से इसका सेलिब्रेशन हो कुछ निर्णय लिए हैं। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहब में अपने जीवन के 18 वर्ष लगाए थे और ये भारत की सीमा से कुछ किलोमीटर पड़ोस की सीमा में है। यहाँ बहुत पिलग्रिम्स आते हैं और भारत की सीमा पर खड़े होकर वहाँ दर्शन करने की अभी सुविधा है। तो मंत्रिपरिषद ने आज ये निर्णय किया कि डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहां से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण होगा। ये लगभग वैसा ही होगा जो जैसे कोई भी बहुत बड़ी जहां पर पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जहां हर प्रकार की सुविधा होगी और जो आज मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनते हैं जिस प्रकार की सुविधाएं वहां हैं, वीजा की फैसिलिटी, कस्टम्स की फैसिलिटी, ये सारी बॉर्डर इस पॉइंट पे होगी कि जिनको ये सुविधा मिलेगी वो सीमा पार वहां तक जा पाएंगे। और इसको बहुत ही व्यापक तरीके से इस करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो होगा डेरा बाबा नानक गुरदासपुर से लेकर यहाँ तक लगभग 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका इतना बड़ा साइज होगा, उसका निर्माण इस 550वें जन्मवर्ष के उपरांत किया जाएगा। मोदी सरकार दे इस ऐलान दे नाल ही सिखां दे इस वड्डे मसले दे हल लई होई पहल दा सेहरा अपने सिर बन्नण लई भज नठ वी शुरू हो गई है। इस ऐलान दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती अते अपनी भाईवाल भाजपा सरकार दीआं तारीफां दे पुल बन दित्ते। सुखबीर ने यह भी आख दिता कि हुण ओह नवजोत सिंह सिद्धू बारे कुछ भी नहीं कहणगे ते ओह आप करतारपुर साहिब दर्शनां लई जाणगे। आज का दिन सिख कम्युनिटी के लिए बहुत हिस्टोरिक डे है और हम प्रधानमंत्री मोदी साहब का और उनकी कैबिनेट का सारे सिख बहन भाई धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज जो उन्होंने फैसला किया है, जो से हर सिख हर रोज़ दरबार साहब में भी, श्री अकाल तख्त साहब में भी, जितने भी गुरु घर हैं, हर रोज़ एक ही अरदास होती है कि हर सिख बहन भाइयों को हमारे जो गुरु घर हैं पाकिस्तान में, हमें वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी परमात्मा ऐसी बना दे जिससे खुले दर्शन हों। और आज और श्रोमणी अकाली दल की बहुत पुरानी ये डिमांड रही है सेंटर सरकार से कि करतारपुर साहब का कॉरिडोर ये खोला जाए और उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए
जिससे सिख संगत, देश की सिख संगत जब जी चाहे गुरु करके दर्शन कर सके। आज जो देश के प्रधानमंत्री ने 48 घंटे के अंदर दो ऐसे काम किए हैं जिससे सिख कम्युनिटी की 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। दो दिन पहले परसों आपने सुना हुआ जो वर्डिक्ट आया है, 34 इयर्स के बाद जो SIT प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनाई उसका पहला रिजल्ट आ गया SIT का। और जिन्होंने, जो दोषियों ने, जो हजारों सिख बहन भाइयों का कत्लेआम किया था, कोर्ट्स ने उनको सजाए मौत और उम्र कैद दी है। ये एक पहला इफेक्ट है, रिजल्ट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने SIT जो 2015 में बनाई। जरूर जरूर जावांगे, जे असीं रिक्वेस्ट करांगे कि दसा की गल की है। आ एक बहुत वड्डी कम्यूनिटी की मंग है, हर अरदास में जिवें पहले जिक्र किया है, 70 साल तो असीं अरदास कर रहे हैं, परमात्मा ने साडी अरदास मान ली है। सी व्हाट व्हाट हैपेंड, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सिद्धू बिकॉज हिज कमेंट्स, he comments every day and changes his comments every day, so I don't want to get into it. And what he said was already denied. And I don't want to get into it. So I am very, our government of India, it's a government of India, the government to government thing, and I'm very confident with the Prime Minister Modi ji, and I'm sure he's taken the decision. उधर अकाल तख्त साहब के नवे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस फैसले की शलाघा की है। पता लगे कि भारत सरकार वालों ऐलान किया गया है कि वह डेरा बाबा नानक तो लैके इंटरनेशनल बॉर्डर तक जोड़ा है वह बहुत वधिया जोड़ा है मार्ग का निर्माण करेगी, तो इस सुल्तानपुर विरासती शहर जो दर्जा दिता जाएगा और यदा विकास किया जाएगा। भारत सरकार का जोड़ा बयान है बड़ा शलाघाजोग है, पर यह बयान जोड़ा वह बयान ना रहे बल्कि जल्द तो जल्द इस जो फैसला लिया भारत सरकार ने इनू लागू करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगले वरे 550 साल गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व समुचा गुरु पंथ मना रहा है, तो समा बड़ा घट है, इस करके जल्दी तो जल्दी जोड़े कार्ज उलीके गए हैं तो इन की जी है वह आरंभता कर दी जाए ता कि 550 साल मौके संगत जो करतारपुर साहब के भी दर्शन कर सकन। उत्थे ही तृप्त रजिंदर सिंह बादमा ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करद कहा कि देर आए दुरुस्त आए। वादा पास किया बहुत वेलकम वाली गल है, चंगा किया वा, लेट हो दुरुस्त हो, पाकिस्तान वाले भी उन्होंने बैटर सेंस प्रिवेल करेगी, तो पंजाबियों की जी भावना है उन्होंने समझदे हो कोरीडोर की मंजूरी देने, आस है खबर सुन के खुशी भी सुनाई है और बड़ा चंगा लग्या। मैनू पता है कि पिछे ये चीज दियां कोशिशां चल रही सी, बहुत ही वधिया लग्या गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उत्ते इदा की खबर सुनने को मिली। मैं ये कि बहुत सारे लोग जाना चाहते, ईवन मेरे घर के भी उधर जाना चाहते हैं, सो मैनू ये है कि मैं हम उन्होंने जरूर लेके जा। उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करदे कहा कि यह खबर 22 करोड़ नानक नाम लेवा सिखां लई एक खुशी की खबर है, अते जेकर यह कोरीडोर बनता है तो यह दोवें देशों विचकार मलम का काम करेगा। याद रहे गुरुद्वारा करतारपुर साहब लई लांघा खोलन दा मुद्दा उदो जोर शोर नाल उभरिया सी जदों पंजाब दे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान दे सहुं चुक समागम विच शिरकत कीती सी, अते इस मौके सिद्धू ने पाकिस्तान दे फौज मुखी जनरल बाजवा नूं पाई जफ्फी वड्डा विवाद बनी सी। सिद्धू ने दावा किया कि पाकिस्तान फौज मुखी ने जफ्फी पाउण वेले उन्हां नूं करतारपुर साहब लई लांघा खोलन दी गल आखी सी, पर भारत दीआं सियासी धिरां नूं इह गल हजम नहीं होई सी ते सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोल दिता गया सी, ते श्रोमणी अकाली दल, बादल, भाजपा, इत्थों तक कि सिद्धू दी अपनी पार्टी कांग्रेस भी उस दे विरोध विच खड़ी हो गई सी। वाकई इह सिखां लई बहुत वड्डी खबर है ते खुशी दी भी खबर है, पर हुण देखणा होवेगा कि पाकिस्तान दी सरकार भारत सरकार दी इस पहल ते की प्रतिक्रिया दिंदी है। चंडीगढ़ तो ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।